अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे ये अपना ताकत वाला दूध यहीं पड़ा है, पिएगा ही नहीं। मूड नहीं था हमारा। तो क्या? ओ उस दिन जैसा ठंडे पीने का मूड कर रहा है। आज हम अपना दिल का बात राजीव बाबू से कर लेंगे। दरवाजा खुला। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे हम तुमको खा जाएंगे। फिकर मत करो, नहीं खाएंगे, पेट भरा हुआ है हमारा। वैसे कुहू, हाँ? अच्छा एक बात बताओ हमको, ये परफ्यूम लगाना कब से शुरू किया तुमने? मुजफ्फरपुर सदर के लिए क्या लक्ष्य है आपका? मोतिहारी में दिवाली मनाई हमने, यहाँ हम होली मनाएंगे। आज होली का है और अपराध को जड़ मूल से खत्म करने की आग ना हमारे अंदर सुलग रही है, ये होली का भी सुलगती रहेगी। नामचीन कारोबारी नटवर सिंह की सनसनीखेज गिरफ्तारी, उनका शराब के अवैध तस्करी में लिप्त होने के नाम आने से पूरे प्रांत में तहलका मच गया है। शहर में आए नए डीएसपी के तत्काल कार्यवाही से इस नए खुलासे को अंजाम दिया गया है। सर आगे की क्या रणनीति है? सर तस्करी का माल कितना और कहां कहां से बरामद हुआ है? मोतिहारी से तस्कर के व्यापार की आड़ में नटवर सिंह प्रांत में अवैध शराब की तस्करी कर रहा था। हमारा मानना ये है कि ये उस सारे गिरोह का सरगना था। ये क्या बात है? हेलो हेलो, नटवर बाबू से प्लीज बात करवा दीजिए। बुद्धन काका, उनका फोन अनरीचेबल है। बुद्धन काका ने फोन क्यों कट कर दिया? Why? अरे हाँ, आपको बोले थे ना, वो कमरा साफ किए हम। तुम पिस 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 पिस, वो चीटे थे, खुशबू वाला फ्रेशर, उसी का खुशबू आ रहा है। हमारा कपड़ा में गिर गया था। क्यों बना रही हो हमको कू? ये जो महक आ रही है ना, ये रूम फ्रेशनर की महक नहीं है, खास परफ्यूम की महक है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अगर वो परफ्यूम तुमने लगाया भी है, वो परफ्यूम तुम्हारे पास आया कैसे? कहां से लाई तुम? वो क्या है ना कि इस महक को खूब जानते हैं, पहचानते हैं हम इस महक को। वो हम, हाँ, वो हम ना गग। क्या बात है कुहू, क्या चल रहा है यहाँ? राजीव दादा, राजीव दादा आइए इधर। Thank you.
हे भोलेनाथ, ये खास सेंट का भाप ना जरूर रिया से आया होगा। हे भोले बाबा, बस रिया को ना यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल दो और ये भेद छुपा के रखो, बाकी और कुछ नहीं, बस इतना कृपा कर दो, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अबे उगलोगे कि हलक में हाथ डाल के उगलवाएं? आप ऐसा नहीं कर सकते साहब, आप जानते हैं साहब ये सही नहीं है। कहा जानते हैं? जो हम पे सारा इल्जाम लगा है बेबुनियाद है साहब। मतलब नहीं उगलोगे? ये तुम्हारा फोन है, तुम ही से कह रहे हैं? हाँ सब, इधर आओ। अबे कानपुर में हड़ताल है क्या तुम्हारे? देखो अगर तुम यहाँ नहीं आए ना तो हम वहां आ जाएंगे। खोलो पासवर्ड। पासवर्ड खोलो। क्या हुआ? अरे कोई कुछ बताएगा भी, क्या हुआ? सामने टीवी पर है। हेलो। हमारे फोन पर फिर कभी कॉल मत करना बेटिया। क्यों बटन काका? खबर नहीं सुनी आज की। हेलो, आज तड़के मोतिहारी के नरसिंहबाग इलाके से कारोबारी नटवर सिंह को शराब की तस्करी के मामले में पुलिस दस्ते ने हिरासत में लिया। ये दोनों वहां क्या कर रहे? एक और सरदर्द आ गया शहर में। कारोबारी नटवर सिंह की गिरफ्तारी ने पूरे प्रांत में खलबली मचा दी है। कौन कौन है? आपको यहाँ से बाहर निकलने का इंतजाम हुआ? नए डीएसपी विराज सिंह का दावा है कि नटवर सिंह की गिरफ्तारी से तस्करी के अवैध कारोबार पर नकेल लगेगी। इस वारदात से जुड़े हर अपराधी पर शिकंजा कसने का संकल्प लिया है डीएसपी विराज। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आप? यहाँ इस घर में ज्यादा देर रुकना संभव नहीं होगा आपका। आपका जाने का इंतजाम तो हो गया ना? नहीं, नहीं हुआ। फिर क्या? जाना तो है ही यहाँ से, बस एक टैक्सी।
टैक्सी का इंतजाम कर दो। कर सकती हो तुम? क्या हुआ है आपको? काहे घबरा रही हैं आप? डीएसपी है कि कोनो जल्लाद है? ऐसा ही तो आदमी चाहिए जो कड़े गुमशुदा मोटों को खोद निकाले। मदद तो हम जरूर करेंगे, जो हमारे ताकत में है ना सब करेंगे, लेकिन आपको कहाँ हो गया? हाँ, हमको समझ नहीं आया है अचानक से आपको हो कहाँ गया है? अभी तक तो ठीक थे आप। इंडिया से बाहर जाना इमीडिएटली। इस फोन का डेटा निकलवाओ। इस पर आखिरी बार एक फोन आया था किसी कू का, पता लगाओ वो नंबर क्या था। जी सर। और जल्दी कोशिश करो, जल्दी से पहले जल्दी हो जाए। जल्दी जल्दी इंडिया से बाहर जाना, वरना वरना वो लोग छोड़े। आवाज दे रहे, देखिए आपके पीछे जो है ना उनका उनका तो हमको नहीं पता, लेकिन आकर आप इतना हल्ला करेंगे ना तो पूरा घर वाले है ना सब यहाँ जरूर पहुंच जाएंगे। मुझे निकलना होगा वरना वो लोग मुझे ट्रेस कर लेंगे। I have to leave. तो निकलिए ना, जो आपको इंतजाम करना था वो हो गया ना? वो आपको किसी से फोन पे बात करना था ना? एको, एको इससे अपने घर से दूर, बहुत दूर, अपने घर से दूर। मैं एकदम बना, बोलो धीरे, बोलो क्रेज करने के धीरे। घर वालों को खत्म कर देंगे, इसको फेंका जल्दी। रोहन रश्मि यकीन मानो मेरा, तुम्हारे घर पे बहुत बड़ा डेंजर है, प्लीज इसे जाके फेंक जाओ इसे, प्लीज प्लीज। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे खत्म कर देंगे माने? हम पे खतरा है, हमारे परिवार पे खतरा है। अदना सा फोन के चलते माने क्या? हाँ, दिस फोन विल किल यू ऑल, सब मर जाएंगे इसके चलते। दो को नंबर आप मिलाई है, एक को नंबर से आपको फोन वापस आया है। क्या कर रही हैं आप? जिससे बात हुआ है वो नंबर को काहे बिठा रही हैं आप? ऐसा कौन सा खुफिया बात है? बोलिए ना, ऐसा कौन सा बात हो गया जो आपको छुपाना पड़ रहा है? ऐसा क्या कर दिए आप? बंद करो अपनी इंक्वायरी, सब कुछ तो बता चुकी हूँ। कुछ नहीं किया मैंने। कुछ तो बात है, कोई तो बात है जो इतना थरथरा कह रही है, बोले ना। प्लीज 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 स्टॉप इट, बंद करो ये शक और सवाल। मुझे बस यहाँ से निकलने में हेल्प कर दो, एयरपोर्ट पहुंचा दो प्लीज। शांत होइए। उसके पहले ये फोन कहीं दूर जाके फेंक दो इमीडिएटली। यकीन मानो मेरा, इट्स वेरी डेंजरस। आना इधर, हाथ जोड़ते हैं आपके सामने। आप छुप जाइए। कुहू, राजीव बाबू, क्या हुआ? कहाँ थी तुम? हम हुआ। बाबूजी कहाँ तुम्हारे? बाबू? हाँ, वो अपना कमरा में होंगे, बुला के लाएं। कहा? मतलब तुम्हें नहीं मालूम? कहा? यही कि तुम्हारे बाबूजी घर पर नहीं है। नहीं है माने? हम भोर में तो नाश्ता दिए थे उनको अपना कमरा में। हाँ, फिर उसके बाद मिलने का मौका नहीं मिला। भाभी, आपके बाबूजी घर पे नहीं है। ये मतलब हमारे बाबू गए कहाँ? चलो हमारे साथ।
चलो। आ, ये देखो देखो बाबू थाना में क्या कर रहे? थाना में नहीं है बाबूजी, डीएसपी के ऑफिस में, और वो भी देखो जरा किसके साथ। संजीव दिखाओ से वो। मौसी जी के साथ क्या करे बाबू? जी बाप, यहाँ हम लोग हंसिनी के मसले को संभालने की कोशिश करें और यहाँ ये औरत और बिगाड़ने में। हमें तो ये नहीं समझ आ रहा कि आपके बाबूजी समझने की कोशिश नहीं कर रहे या समझते नहीं है कुछ भी। और जिस डीएसपी के ऑफिस में ये लोग गए हैं, अगर इस केस के बारे में थोड़ी भी भनक लग गई ना तो इस घर में प्रलय आ जाएगा। रोकना होगा बाबू को, रोकना होगा, रोकना होगा। खबरदार भी, खबरदार, जो इस मसले में तुमने घुसने की कोशिश की थी, और गलती से भी उस दिशा में मत जाना। बाबू को तो रोकना होगा ना। अरे वैसे भी वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, केस दर्ज हो चुका होगा, एफआईआर हो चुकी होगी। लेकिन एक शिकायत ना हमें भी दर्ज करनी है। लेकिन किसी थाने या कचहरी में नहीं। रुको, एक शिकायत हमारी भी है, अब फैसला हो ही जाए। और हाँ कहूँ, हमें तुमसे भी बात करनी है। क्या हुआ बुआ जी? यहाँ नहीं, बाद में। कहीं बुआ जी को हम पे शक तो नहीं हुआ? आखिरी जो कॉल आया उसका नंबर देखो। हू है कोई नंबर? बाबू नंबर बोलो। नंबर है, ठीक है। नामी रिश्ता जिसका सबूत है अखिलेश पाठक। तुम इस घर की जड़ कब से हो गए देव? ये अनर्गल बातें ना तुम्हारी नई सोहबत का नतीजा है। बेनामी के रिश्ते की नई शुरुआत बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आज से हम अपने आप को अनाथ घोषित करते हैं। सील के पत्थर में बहुत बड़ी कीमत वसूली है तुमसे देवनारायण। तारे रिश्ते नाथ नाश नाश करके रखती है। अरे कोई हमारी शिकायत दर्ज करेगा कि नहीं? अरे मैडम, आपको बोला तो साहिब एक बीआईपी केस पर आ रहे हैं। एक आप हैं, बूझते नहीं हैं। अभी आप बैठिए, जब आएंगे साहब तब आपको बता दूं। बाबू। हाँ कू। थाना खाए गए? अरे वो हंसनी का गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाने आए हैं। आप राजीव बाबू, संजीव बाबू किसी से भी यहाँ पे सलाह लिए? अरे वो तुम भी खुशबू मासी है ना, तो तुम्हारी अब सांस भी लगती है ना, उनके कहने पे आए हैं। वो कहा है ना, वो तो अब घर की मालकिन भी है ना, अगर उसका बात नहीं सुनेंगे तो तुम्हारा जान आफत कर देगी, इसलिए चले आए हैं। बाबू सुनिए, खुशबू मौसी के कहने से आप शिकायत दर्ज करेंगे तो आपको लगता है कि हमको राहत मिलेगा? नहीं, और आफत हो जाएगा और पूरा घर को मुसीबत हो जाएगा, बूझ रहे हैं ना? वैसे शिकायत दर्ज करा दिए? अरे नहीं नहीं, अभी शिकायत दर्ज नहीं किए हैं,
तो बाबू सुनिए, अब बूझ लीजिए, अब इसी खात मत दर्ज कीजिए, ठीक है? एकदम नहीं दर्ज कीजिए। पता नहीं ये सब ठीक होगा कि नहीं। अवधेश बाबू का फोन। बाबू, हम आपको बाद में फोन करते हैं। अभी ना शिकायत मत दर्ज कीजिए, अभी आप तुरंत ना घर आ जाइए, ठीक है? बूझ गए ना आप, शिकायत नहीं दर्ज करना है। हाँ हाँ, प्रणाम, घर आइए। अवधेश बाबू, अब कैसी तबीयत है उनकी, जिन्हें चोट आई थी? मिल सकते हैं तुरंत। क्या हुआ, तुम ठीक? तो मदद चाहिए? ठीक है, घर के पीछे वाले गेट पे मिलो, हम 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। ठीक है। बाबा रुक जा संजीव, इनकी ओर हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये वही इंसान है जिसने अपने ही हाथों से अपने सारे रिश्तों का गला घोट दिया। हमने जो किया है वो उसकी दादा वो औरत जिसके लिए आपने हम सबको, इस पूरे परिवार को त्याग दिया, वो पहुंची हुई वहां सदर डीएसपी के ऑफिस, उस हंसनी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कर। बाबा अगर हंसनी का मामला खुल गया ना तो पिछले जितने भी राज है ना वो सब खुल जाएंगे। यहाँ डोला मुनिया था चोरास इस 4 दीवारों के अंदर बंद है ना, वो गली गली फैल जाएगी और पूरे शहर में चंदेल भवन पर कालिक पहुंच जाएगी। समझते क्यों नहीं हो बाबा? नहीं होने देंगे हम, कोई तहकीकात नहीं रोक पाएंगे आप बाबा, क्योंकि अब ये केस ना डीएसपी विराज त्यागी के शिकंजे में जा पहुंचा। विराज त्यागी